तो न्यूजीलैंड विमेंस और साउथ अफ्रीका विमेंस के बीच पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेला जाएगा कल को। इस वीडियो में लेकर आए आपके लिए पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की, सारा कुछ देखने को मिलेगा आपको इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले आपको एक रिक्वेस्ट करते हैं, इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सब जगह पर इस वीडियो को शेयर कर देना। साथ में आपको ये कहना चाहते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में ज्यादा जानकारी पाने के लिए इंस्टाग्राम के ऊपर क्रिक स्टार लाइव हमारा अकाउंट है, उसको कर लीजिए फॉलो। तो ये मुकाबला खेला जाएगा 2 फरवरी को यानी कि कल को, और ये मुकाबला खेला जाएगा माउंट मंगाई क्रिकेट स्टेडियम में, और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार सुबह 8:30 पे शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि जो कल को 2 मुकाबले खेले जाने हैं उसमें से ये विमर्स वाला मुकाबला पहले खेला जाएगा बे ओवल माउंट मंगाई में और इसी स्टेडियम के ऊपर, उसके बाद में न्यूजीलैंड और इंडिया के बीच 5वां T20 मुकाबला खेला जाना है। तो अगर बात करें इस ग्राउंड की, तो इस ग्राउंड पे विमेंस T20 तीन मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम 2 मुकाबले जीती, पहले गेंदबाजी करने वाली टीम 1 मुकाबला जीती। और अगर बात करें बेस बनाम स्पिन की, तो यहां पर विमेंस T20 मुकाबलों में तेज गेंदबाजों ने 16 विकेट चटकाए इस ग्राउंड पे, स्ट्राइक रेट 20.6, इकॉनमी रेट 6.89। स्पिनर गेंदबाजों ने यहां पर विमेंस T20 मुकाबलों में 11 विकेट चटकाए, स्ट्राइक रेट 27.5, इकॉनमी रेट 7.28। यहां पर अगर देखें तो विकेटें ज्यादा ली है तेज गेंदबाजों ने, स्ट्राइक रेट के मामले में अगर देखा जाए तो वहां पर भी तेज गेंदबाज बेहतर है और इकॉनमी रेट के मामले में भी तेज गेंदबाज बेहतर है। तो यहां पर ये कह सकते हैं कि इस ग्राउंड पे तेज गेंदबाजों को ज्यादा हेल्प मिलती है और स्पिनर गेंदबाजों को कम हेल्प मिलती है। और अगर बात करें एवरेज स्कोर की, तो यहां पर एवरेज स्कोर है विमेंस T20 मुकाबलों में 126 रन, और सबसे बड़ा स्कोर बना 179 रन, सबसे कम स्कोर बना 72 रन, सबसे बड़ा चेस हुआ 96 रन, सबसे कम स्कोर डिफेंड हुआ 163 रन। और अगर बात करें बाउंड्रीज के बारे में, तो विमेंस T20 मुकाबलों में यहां पर बाउंड्रीज होती है 55 यार्ड की साइड स्ट्रेट बैकवर्ड और साइड बाउंड्री 60 यार्ड की। और अगर बात करें मौसम की, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 28 डिग्री से लेकर 17 डिग्री तक, क्लाउडी रहेगा लेकिन बारिश नहीं होगी। और अब आपको दिखाते हैं न्यूजीलैंड विमेंस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं सूफी डिवाइन है कप्तान और कैटी मार्टिन है विकेट कीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं साउथ अफ्रीका विमेंस टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं डैन वैन है कैप्टन और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बैट्सवुमन लॉरा, इन्होंने 117 रन बनाए ओडीआई मुकाबलों में, इससे पहले इन दोनों टीमों के बीच ओडीआई श्रृंखला हुई थी उसके जो आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। सुजी बेट्स, इन्होंने 142 रन बनाए ओडीआई मुकाबलों में, सैन लूज, इन्होंने 67 रन बनाए ओडीआई मुकाबलों में। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज सुजी लूज, इन्होंने 6 विकेट चटकाए ओडीआई मुकाबलों में, खाका, इन्होंने 5 विकेट चटकाए ओडीआई मुकाबलों में। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज ड्रीम 11 टीम के लिए। और अब बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला साउथ अफ्रीका विमेंस टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।